अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब्सक्राइब कीजिए कुक विद नाज़िम अकबर को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ चॉकलेट कॉफ़ी केक बनाना। तो इसे बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, 1.5 कप मैदा, 1/2 कप कोकोआ पाउडर, 1/3 कप रिफाइंड तेल, 1.5 कप पिसी हुई चीनी, 1/4 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 कप दूध, 100 ग्राम व्हिपिंग क्रीम पाउडर, वेनिला एसेंस चॉकलेट सिरप, 4 अंडे, 2 पैकेट डेयरी मिल्क, 3 पैकेट कॉफ़ी। नीम गर्म पानी में कॉफ़ी पाउडर शुगर ऐड करके हम इसका कॉफ़ी सिरप तैयार करेंगे। एक बोल के ऊपर छन्नी रखेंगे। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1.5 कप मैदा, 1/2 कप कोकोआ पाउडर, 1/4 टीस्पून नमक, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर। इन सारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छन्नी की मदद से छान लेंगे। तो ये देखिए, ये अच्छे से छन चुकी है। अब हम इसे एक स्पून की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे साइड में रख देंगे। अंडे की सफ़ेदी और जर्दी को अलग कर लेंगे। यहाँ पर मैं 4 अंडे का इस्तेमाल कर रही हूँ। सफ़ेदी को हम इसके अंदर ऐड करेंगे और हैंड मिक्सर की मदद से हम इसे बीट करेंगे। हमें इसे तब तक बीट करना है जब तक ये स्टीफ पीक्स फॉर्म में ना आ जाए। मीडियम स्पीड पर हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए बीट करेंगे। तो ये देखिए, इसका फॉर्म काफ़ी अच्छा आ चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे जर्दी। जर्दी को हमें 1 बाय 1 ऐड करना है और इसे बीट करना है। एक साथ हमें इसकी क्वांटिटी को नहीं डालना है, थोड़ी थोड़ी मिकदार में डालना है और इसे बीट करना है। थोड़ी थोड़ी मिकदार में पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे और इसे बीट करेंगे। यहाँ पर मैं तकरीबन 1 कप पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। वन थर्ड कप रिफाइंड तेल ऐड करेंगे और इसे अच्छे से बीट करेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे अच्छे से बीट करेंगे। हाफ टी स्पून प्लस 1/2 टीस्पून इज इक्वल टू 1 टीस्पून वेनिला एसेंस ऐड करेंगे और इसे बीट करेंगे। मैदा और कोकोआ पाउडर के मिक्सर को हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में हम इसके अंदर ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे और इस तरह से फोल्ड करेंगे। थोड़ी थोड़ी मिकदार में हम इसके अंदर दूध ऐड करेंगे और इस तरह से फोल्ड करेंगे। थोड़ी थोड़ी मिकदार में हम इसके अंदर ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ऐड करेंगे। एक साथ हमें इसके अंदर ड्राई इंग्रेडिएंट्स को नहीं डालना है। अगर हम इसके अंदर एक साथ ड्राई इंग्रेडिएंट्स को डालते हैं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। इस बात का आपको ख्याल रखना है कि थोड़ी थोड़ी मिकदार में हम इसके अंदर ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे और इसे मिक्स करेंगे। तकरीबन मैंने यहाँ पर 1 कप दूध का इस्तेमाल किया है। देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होनी चाहिए। केक मोल्ड के ऊपर बटर या ऑयल को ग्रीस करेंगे और साइड में भी बटर को ग्रीस करेंगे। अब हम अपने बटर पेपर को सेंटर में लगाएंगे और साइड में भी बटर पेपर को लगाएंगे ताकि ये मिक्सर केक मोल्ड में चिपके नहीं। हल्के हाथों से इसे इस तरह करेंगे ताकि इसमें जो भी एयर बबल्स हैं वो निकल जाए। यहाँ पर मैं अपने केक को चूल्हे पर बेक कर रही हूँ। एक देगची लेंगे, उसके अंदर नमक बिछाएंगे और बीच में स्टैंड रखेंगे और इस देगची को 10 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर प्री हीट करेंगे। केक मोल्ड को स्टैंड के ऊपर रखेंगे और इसे कवर कर देंगे इस तरह से। 45 से 55 मिनट के लिए हम इसे लो फ्लेम पर कुक करेंगे। अगर आप माइक्रोवेव ओवन में इसे बना रहे हैं तो 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 40 से 50 मिनट के लिए बेक कर सकते हैं। केक हमारा बेक हो रहा है तो आइए जब तक हम व्हिपिंग पाउडर से व्हिपिंग क्रीम बना लेते हैं। 100 ग्राम व्हिपिंग क्रीम पाउडर लेंगे और इसके अंदर 3 टेबल स्पून दूध ऐड करेंगे और हैंड मिक्सर की मदद से हम इसे बीट करेंगे।
तकरीबन मैंने यहाँ पर 1/3 कप दूध का इस्तेमाल किया है। शुगर पाउडर ऐड करेंगे, यानी कि पिसी हुई चीनी को हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इसे बीट करेंगे। थोड़ी थोड़ी मिकदार में हम इसके अंदर शुगर पाउडर ऐड करेंगे और इसे बीट करेंगे। ये काफ़ी थिक हो गया था, इसलिए मैंने इसके अंदर थोड़ा सा मिल्क ऐड किया है। 1 टेबल स्पून कोकोआ पाउडर ऐड करेंगे और इसे बीट करेंगे। टू टेबल स्पून के करीब चॉकलेट सिरप ऐड करेंगे और इसे व्हिप करेंगे। 1/3 कप नीम गर्म पानी में कॉफ़ी ऐड करेंगे। 1 टीस्पून चीनी ऐड करेंगे और इसे मिक्स करेंगे। तो ये हमारा कॉफ़ी सिरप रेडी है। 2 टीस्पून कॉफ़ी सिरप ऐड करेंगे और इसे व्हिप करेंगे। तकरीबन मैंने यहाँ पर 3 टीस्पून कॉफ़ी सिरप का इस्तेमाल किया है। वन टीस्पून वेनिला एसेंस ऐड करेंगे और इसे कुछ सेकेंड्स के लिए व्हिप करेंगे। व्हिप किए हुए क्रीम की कुछ क्वांटिटी को दूसरे बोल में ट्रांसफर करेंगे। 2 टेबल स्पून कोकोआ पाउडर, चॉकलेट सिरप ऐड करेंगे और इसे बीट करेंगे। टू टीस्पून कॉफ़ी सिरप ऐड करेंगे और इसे व्हिप करेंगे। इस क्रीम का इस्तेमाल हम फ्लावर बनाने के लिए करेंगे और इस क्रीम का इस्तेमाल हम केक की फ्रॉस्टिंग में करेंगे। 45 से 55 मिनट के बाद हम अपने केक को चेक करेंगे। टूथपिक की मदद से हम इसे चेक करेंगे। तो ये देखिए, टूथपिक हमारा क्लियर आ रहा है, यानी कि केक हमारा बेक हो चुका है। केक मोल्ड को बाहर निकालेंगे और इसे 10 मिनट के लिए ठंडा करेंगे। नाइफ की मदद से हम इसके साइड में कट्स लगाएंगे और केक मोल्ड को खोलेंगे और साइड में लगे हुए बटर पेपर को रिमूव करेंगे। केक को हम इस तरह से पलटेंगे और इसके पीछे में जो बटर पेपर लगा हुआ है उसे हम निकाल देंगे। नाइफ की मदद से हम इसे 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहले लेयर को हम हाथों की मदद से उठाकर साइड में रखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट बनकर ये रेडी हुआ है। कॉफ़ी सिरप को हम केक के पहले लेयर पर ब्रश की मदद से अप्लाई करेंगे। क्रीम को यूज़ करने से पहले हम इसे आधे घंटे के लिए रिफ्रिजरेट करेंगे। केक के सेंटर में व्हिपिंग क्रीम रखेंगे और इसे चारों तरफ कुछ इस तरह फैला लेंगे। केक के दूसरे लेयर को हम इसके ऊपर रखेंगे और हल्के हाथों से प्रेस करेंगे। केक के दूसरे लेयर पर भी हम कॉफी सिरप को ब्रश की मदद से चारों तरफ लगाएंगे। व्हिपिंग क्रीम को हम इसके ऊपर रखेंगे और इसे चारों तरफ से फैला देंगे। नाइफ की मदद से हम इसे स्प्रेड करेंगे। व्हिपिंग क्रीम से हम अपने केक को चारों तरफ से कवर करेंगे। व्हिपिंग क्रीम को व्हिपिंग बैग में ट्रांसफर करेंगे। व्हिपिंग क्रीम को व्हिपिंग बैग में ट्रांसफ़र करेंगे। इस क्रीम से हम
फ्लावर का डिज़ाइन बनाएंगे। फ्लावर का डिज़ाइन आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। केक के साइड में हम कुछ इस तरह का डिज़ाइन बनाएंगे। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग इसका डिज़ाइन का शेप रख सकते हैं। डार्क चॉकलेट और चेरी की मदद से हम इसे गार्निश करेंगे। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग इसका डिज़ाइन रख सकते हैं। डेयरी मिल्क को हम साइड में इस तरह से लगाएंगे। पील किए हुए चॉकलेट से हम केक को गार्निश करेंगे और चेरी को साइड में लगाएंगे। चॉकलेट कॉफ़ी केक बनकर रेडी है। हम इसे 2 से 4 घंटे के लिए रिफ्रिजरेट करेंगे। 2 से 4 घंटे के बाद हम इसे फ्रिज से बाहर निकालेंगे। विदाउट माइक्रोवेव अवेन का मैंने इस केक को बनाया है, तो ये देखिए हमारा चॉकलेट कॉफ़ी केक बनकर रेडी है। अब हम इसे नाइफ की मदद से कट करेंगे। ये काफ़ी यम्मी और डिलीशियस बनकर रेडी हुआ था। फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी रिपब्लिक डे। इस दिन की खुशी में आज ही आप अपने घर पर इस केक को बनाएं, खाएं और खिलाएं। ये केक बच्चों को भी बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि ये चॉकलेट और कॉफ़ी का कॉम्बिनेशन है। मैं इसे कट करके दिखा रही हूँ, तो ये देखिए ये काफ़ी सॉफ्ट, यम्मी और डिलीशियस बनकर हमारा केक रेडी हुआ है। आपको मेरी केक की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।